नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेट पर टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के पीली कोठी के पास वेंकट भवन, एक ऐतिहासिक इमारत। यहीं पर कुछ महिलाएं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। आप इन महिलाओं को देखिए, पिछले 45 दिनों से यहां पर मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि इनकी ऐसी कोई भी मांग नहीं है जो शासन आसानी से पूरा नहीं कर सकता, बस जरूरत है इच्छा शक्ति दिखाने की। क्या है आपकी मांगे? हमारी मांगी ये है कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमें नियमित वेतन दिया जाए उनके हिसाब से, और हमें दादा की ठोकने खानी पड़ती हैं। जैसे हम डिलीवरी लेके गए, उसमें हमें कोई सहयोग वहाँ कहते से आशा हो गया पहुँचा दी, अब किस लिए आई हो यहाँ, जाओ अपना रात में बताइए हम लोग कहाँ जाएं, हम लोगों को वहाँ रहने की सुविधा दी जाए, हम लोगों का सम्मान किया जाए, हम लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलता। सम्मान चाहिए, एक छोटी सी समस्या है, सम्मान दीजिए, बाकी जो रूटीन के काम है वो तो हम कर ही रहे हैं, बस जरूरत है हमें सम्मान की। ये जो आंदोलन चल रहा है 45 दिन आज पूरे हो गए हैं, और आज हमारा भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। ये हमारा 5 दिन का भूख हड़ताल है, ये एक चरणबद्ध तरीके से चल रहा है, और सरकार आज तक 45 दिन होने के बाद भी किसी तरह से किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की, हमारे मुद्दों को जानने की, हमारी समस्याओं को हल करवाने की कोशिश नहीं की। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हड़ताल मत करो, आंदोलन मत करो, हम अगर आंदोलन करोगे तो कुछ नहीं देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते तो भी वो कुछ नहीं दे रहे हैं, तो हम अपनी बात कैसे किस तरीके से पहुंचाएं? हम अपनी बात किस तरीके से पहुंचाएं? हालांकि मुख्यमंत्री बहनों को लेकर बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन पिछले 45 दिन से हम मौजूद हैं, आज तक हमसे कोई भी बातचीत करने नहीं आया। सर, हमारी नौकरी की कोई सीमा नहीं है, हम 2400 घंटे काम में लगे रहते हैं, रात को अगर डिलीवरी हुई तो रात को लेके जाना है, दिन में हुई तो दिन को, अपने बच्चों को छोड़ के घर पर बीमार हैं या सास ससुर बूढ़े हैं उनको छोड़कर हम जा रहे हैं, लेकिन हमें मानदेय के नाम पे 2000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि हम ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ 10,000 आशाओं को, पर्यवेक्षकों को 15,000 ही मांग रहे हैं, पर सरकार की किसी भी तरह से हमको कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, ना तो कोई हमारा सुध लेने वाला है। किसी ने हमसे कोई बात नहीं की, हमारी बहुत छोटी सी मांग है, 10 और 15 हजार रुपए ही हम मांग रहे हैं, क्या कहेंगी आप? बस ये तो बहुत कोई बड़ी मांग नहीं है हम लोग की सरकार से, हम लोग को भी सरकारी का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हम लोग भी मतलब कहीं पे सम्मानजनक रहे, बोल सके कि हाँ हम लोग भी जीने खाने लायक अपने लिए वेतन पा सकते हैं। जो 2000 दे रहा तो किस मुद्दे से दे रहा है वो 2000, वो हमें ये बताए। एक मजदूर की कीमत, जो भी मजदूरी करता है तो दिन में 400 रुपए अपने घर लेके जाता है, और वो अपना किसी तरह जीवन चला रहा, हम लोग को सिर्फ 2000 रुपए दिया जा रहा है, पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपए दिया जा, सॉरी 10,000 रुपए दिया जा रहा है, तो कम से कम हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, नियमित वेतन दे, मजदूरी के हिसाब से ही दे। 30 दिन के काम के केवल 2000 रुपए? जी जी, केवल 2000 रुपए। आपने सुना, 30 दिन के काम के केवल 2000 रुपए। इनका साफ तौर से कहना है, अगर हम मजदूरी करें तो 400 रुपए रोज, यानी हम महीने के 12000 भी कमा सकते हैं। हम लोग का आज 45वां दिन है हड़ताल का, जिसमें कि भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है, और हमारी मांग सिर्फ ये है कि आशाओं को 10,000 रुपए, आशा पर्यवेक्षक को 15,000 रुपए दिया जाए, और जो कि हमारी मिशन संचालक मैडम ने पिछले साल जून में जब हड़ताल हुई थी उस समय उन्होंने कहा था कि ये आदेश को, जिसमें कि मुख्यमंत्री जी ने आज तक उस आदेश को पारित नहीं किया, और जिसमें कि लाडली बहना चला रहे हैं, जो लाडली बहना जो ये बहनें काम कर रही हैं उनको 2000 रुपए दिया जा रहा है, तो घर में बैठ के वो 1000 ले रही हैं और 1100 का रसोई सिलेंडर भरा रही हैं महिलाएं, क्या उसको कम करने के लिए, तो फिर क्या मतलब है घर ही में बैठ के, घर ही में बैठा जाए इस। अब अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो अब आगे क्या? अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, हमारी नहीं सुनती है, तो हम आगे चल के जो है हमारा आंदोलन और उग्र होता जाएगा, और अब चुनाव आने वाला है तो हम ये सरकार को चुनाव में बता देंगे कि हम क्या हैं, हमारी बात नहीं मानने का नतीजा उनको क्या मिलेगा, ये सरकार को। हमारी बात अगर सरकार ने नहीं मानी तो निकट भविष्य में चुनाव होना है, हम सरकार भी पलट देंगे। एक सबसे बड़ी बात,
इन महिलाओं का आशा ऊषा कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है, जब सरकार घर बैठ के 1000 रुपए दे रही है तो 24 घंटे डिलीवरी का कोई समय निर्धारित नहीं होता। उस समय हमको हर हालत में उस महिला को लेके उसके बच्चे उसकी जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल जाना ही पड़ता है, भले ही हमारे घर में कितनी भी समस्याएं हों। तो हम इस तरीके की समस्याएं क्यों उठाएं, जब सरकार घर बैठ के 1000 रुपए दे रही है, हम 1100 का सिलेंडर भरवा रहे हैं तो बेहतर है हम घर में बैठे। अब इनका साफ तौर से कहना, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मांगी तो हम निकट भविष्य में सरकार भी पलट देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा, ये महिलाएं आशा ऊषा कार्यकर्ता जो आपकी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखाई दे रही हैं, अब इनकी मांगों पर सरकार किस तरीके से कदम उठाती। हालांकि पिछले 45 दिन से इनकी सुनवाई करने कोई नहीं आया, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। अब ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, इनकी लगातार हड़ताल पर हमारी नजर बनी रहेगी। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।